सिरसा के विधायक और पूर्व गृह राज्य मंत्री गोपाल कांडा के अनुज वरिष्ठ भाजपा नेता गोविंद कांडा ने कहा कि 18 जून को सिरसा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की रैली ऐतिहासिक होगी और ये रैली प्रदेश की अब तक की हुई रैलियों का रिकॉर्ड तोड़ेगी। गोविंद कांडा जिलावासियों से इस रैली में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की और कहा कि बसों की चिंता मत करना, गाँव में जितनी बसों की मांग होगी उपलब्ध करवाई जाएगी। बस कार्यालय में बसों की संख्या लिखवानी होगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार की 9 साल की उपलब्धियां रैली में आपके समक्ष रखी जाएंगी। विश्व में भारत को सम्मान दिलाने वाले और देश को आर्थिक रूप से मजबूत करने वाले प्रधानमंत्री का सबको साथ देना होगा ताकि देश विश्व गुरु बन सके। ये हमारा सौभाग्य है कि मोदी जी के 9 साल पूरे होने पर बिहार सरकार ने, मोदी जी ने 13 स्कीमें बनाकर पूरे केंद्रीय मंत्रिमंडल को अलग अलग जगह भेजा है भारत में कि आप सभी जगह जाकर बताएं लोगों के कि हमने 9 वर्ष में क्या क्या कार्य किए हैं। अलग अलग स्कीमें बनाकर उन्होंने भेजा, उसी में उसी की तहत उसी कड़ी में हमारे माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी यहाँ 18 तारीख को सिरसा में आ रहे हैं और वो 9 वर्ष पूरे होने पर मोदी जी की जो मोदी जी ने कार्य किए हैं, मोदी जी ने जहां वर्ल्ड में भारत को वर्ल्ड में पहले नंबर पे पहुंचाने का काम किया है, जैसे आज 80 करोड़ लोग जनता को फ्री अनाज मिल रहा है, जो जो स्कीमें उन्होंने बनाई है, चाहे आज जल की स्कीमें हैं, आज सड़कों की स्कीमें हैं या गरीबों के लिए जो स्कीमें बनाई है, ऐसे बहुत कार्य किए हैं, लोगों को शिक्षा के कार्य किए हैं, उनके जो चीज़ें हैं वो बीच में जनता को बीच में रखने के लिए आएंगे। और बहुत मेरे ख्याल तादाद में हमने जो उम्मीद सोची है उससे भी ज़्यादा लोग यहाँ पहुँचेंगे। ये खाली एक लोकसभा की रैली नहीं होगी, ये इतिहास बनाएगी, ये पूरे हरियाणा की रैली के रूप में उभर कर आएगी। सिरसा की रैली, यहाँ से एक ऐसी आवाज़ निकलेगी, क्योंकि हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि लोकसभा चुनावों से पहले जो बिगुल बजना था वो हमारे सिरसा में मिला है, तो यहाँ से एक बड़ा इतिहास बनकर निकलेगा। देखिए, अभी तक 90% तो यही है कि अनाज मंडी है, अगर कोई सुरक्षा के दृष्टिकोण से कुछ अगर आदेश आएंगे तो कुछ चेंज हो सकता है, लेकिन वो भगत सिंह स्टेडियम का आएगा, उसमें हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ना। हमारे पास तो सारे स्ट्रक्चर तैयार हैं, हमारी रैली के लिए सब मापदंड तैयार हैं और लगे हुए हैं, दिन रात सभी जगह हमारे प्रचार में भी लगे हुए हैं, हमारे सभी साथी भाजपा के सभी लोग और ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार में लगे हुए हैं, बहुत ज़्यादा लोग आएंगे। बता दें कि गोविंद कांडा रविवार को हिसारिया बाजार स्थित कैंप कार्यालय में कार्यकर्ताओं और पार्टी पदाधिकारियों की बैठक को संबोधित कर रहे थे, साथ ही उन्होंने सभी को रैली में आने का न्योता भी दिया। सत्य खबर के लिए सिरसा से कश्मीर कंबोज की रिपोर्ट। सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक।